ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच चल रहा कोल्ड वार कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों एक दूसरे को लीगल नोटिस भेज रहे हैं और आरोप मढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक रोशन ने अपनी इमेज खराब करने के लिए कंगना को लीगल नोटिस भेजा है। वहीं कंगना ने भी ऋतिक रोशन को जवाब में एक लीगल नोटिस भेजा है। कंगना ने अपने वकील रिजवान सिद्दीकी के जरिए ऋतिक रोशन को 21 पन्नों का जवाब देते हुए नोटिस भेजा है। सूत्रों के मुताबिक ऋतिक ने कंगना से कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनसे माफी मांगे। कुछ दिन पहले मीडिया में खबर आई थी कि कंगना ने ऋतिक को सिलियक्स कहा है। ऋतिक का कहना है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफी मांगे कि उन्होंने सिलियक्स उन्हें नहीं कहा था। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच काफी लंबे वक्त से कोल्ड वॉर चल रहा है। इससे पहले एक इंटरव्यू में कंगना ने कई राज खोले थे और कहा था कि उन्हें आशिकी 3 से ऋतिक के कहने की वजह से ही निकाला गया है। खैर, अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि ये दोनों लीगल नोटिस के बाद आगे की लड़ाई किस तरह लड़ेंगे।